हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है जिससे हमारी बॉडी की हर एक सेल और ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। लेकिन अगर सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। अगर इसे रिवाइव ना किया जाए तो कुछ ही देर में हमारा ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर सिर्फ 4 मिनट में ही ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट के बाद ये ब्रेन डैमेज परमानेंट और इरिवर्सिबल हो जाता है। यानी 10 मिनट तक अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो इस कंडीशन में हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। किसी को कार्डियक अरेस्ट होने पर ऐसी कंडीशन में हम लाइफ सेविंग टेक्निक CPR का यूज करते हैं। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। CPR करने के लिए हमें पेशेंट के हार्ट को चेस्ट के सेंटर से पुश करना होता है। CPR करने के पीछे मेनली 2 पर्पस होते हैं। सबसे पहला ये कि चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचती है जिससे ब्रेन को डैमेज होने से रोका जा सकता है। और दूसरा ये कि चेस्ट कंप्रेशन से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है जिससे वहां पर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो के साथ ही वहां पर ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है जिससे रुके हुए हार्ट में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम्स फिर से स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रिदम्स की वजह से ही हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है और हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। CPR की प्रोसेस में जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तब हम मेनली एक आर्टिफिशियल पंप क्रिएट कर देते हैं और हार्ट के फंक्शन को मैन्युअली परफॉर्म करने लगते हैं। हर एक कंप्रेशन के साथ ब्लड हार्ट के सराउंडिंग मूव करने लगता है और ब्रेन तक पहुंचता है। अब क्योंकि ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाना होता है तो इसमें हार्ट कंप्रेशन को तेजी तेजी से परफॉर्म करना होता है। चेस्ट कंप्रेशन में पुश करते हुए हमें लगभग 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस करना होता है और फिर रिलीज करना होता है। कंप्रेशन में हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट स्क्वीज होता है जिससे ब्लड हार्ट के बाहर पंप होता है और कंप्रेशन रिलीज करने पर ब्लड फिर से हार्ट में फिल हो जाता है। पुश करते हुए हमें लगभग 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन करने जरूरी होते हैं जिससे ब्लड लगातार पंप होता रहे। अगर हम बहुत धीरे या फिर नॉर्मल कंप्रेशन करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और बहुत तेज तेज कंप्रेशन करने पर भी हार्ट को ब्लड फिल करने का टाइम नहीं मिलता है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। हमें हार्ट को तेजी से पुश करना होता है और जल्दी जल्दी पुश करना होता है। CPR में कभी कभी पेशेंट की रिप्स की बोन भी टूट सकती है जो एक नॉर्मल बात है। रिप्स फ्रैक्चर होने पर इसे बाद में ठीक किया जा सकता है लेकिन ब्रेन डेड होने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि आपको बिना होपलेस हुए तब तक CPR करते रहना है जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।